बेटकुटा के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर बेग, प्रोफेसर डॉक्टर बेग, प्रेसिडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन, उनको आप एक तरह है दीजिए उनके वेलकम में। यहाँ पे अलीगढ़ से विधायक के साथ यहाँ पे आए हैं हमारा साथ देने। साथियों, हमारी एकता है, शिक्षक पूरे देश में जो शिक्षक है वो आज हमारे साथ है। एक आपको भी लड़ गई है, बेटकुटा भी लड़ गई है, हम सब इसमें एक लड़ाई में एक है और हमारे हाथ में इस देश के यंग इंडिया के पल्स की नब्ज है हमारे हाथ में। हमारे हाथ में बहुत दौड़ है देश के भविष्य की। इस लड़ाई में हम हार नहीं सकते क्योंकि देश का भविष्य हमारे साथ है। साथियों, हम देख रहे हैं कि किस तरह से यह सरकार एक एक करके हर सेक्शन के खिलाफ, पॉपुलेशन के हर सेक्शन के खिलाफ इस तरह से जंग करते हैं। उन्होंने पूरी जनता को लूट कर, चाहे वो किसान हो, चाहे वो वर्कर हो, मजदूर हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, हर सेक्शन को लूट कर ये चंद लोगों की मुट्ठियां भरना चाहती है, जेलें भरना चाहती है, तिजोरियां भरना चाहती है। सारी पॉलिसी चंद लोगों के लिए बन रही है। 1% लोग इस देश में 73% इसकी वेल्थ की जीडीपी का कंट्रोल करते हैं। इससे शर्मनाक और क्या बात हो सकती है। जितनी आज इनइक्वालिटी है इससे ज्यादा कभी नहीं हुई। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस देश की शिक्षा बर्बाद की जा रही है। और पिछली सरकार ने भी बहुत गलतियां इसमें की, छह बिल लाके प्राइवेटाइजेशन का ढांचा बना के, लेकिन लड़के इसी वजह से इनको हटाया गया था। पिछली दफा सोचा था शायद ये सरकार कुछ करेगी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल उल्टा किया। और ज्यादा आगे करके, और ज्यादा शोषण करके, क्रश करके, हमको हमारी एकता को खत्म करने की कोशिश करके इन्होंने इस तरह से लागू कर दी है पॉलिसी। और अब तो बिल्कुल हम लोग प्रेसिडेंस पे आ गए। अगर 30% कट हो जाएगा हमारे ग्रांट में तो शिक्षा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो जाएगी, टीचर नहीं लगा पाएंगे हम, मूक से चलाना पड़ेगा वो जो ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के मजा जपते हैं आजकल। ये जो ये लोग हैं पूरी दुनिया में, और कोर्स बनाने की इजाजत हमसे पहले छीन ली गई थी, अब वो कोर्स बनाने की देगी, टीचर नहीं मिलेंगे, आप चॉइस नहीं दे सकते, तो कहने को आप चॉइस बेस्ड कैरियर सिस्टम चला रहे हैं। साथियों, हमारा जो हक है कि हमारे साथी लोग रेगुलराइज हो, जो इतने लंबे समय से लगे हैं, किस वजह से आपके इंटरव्यू लेंगे, उनका रेगुलराइजेशन हम लेके रहेंगे। साथियों, पूरे देश में हम चाहते हैं कि रिक्त पद भरे जाए। बिना रिक्त पद भरने से भरने बगैर आप कैसे क्वालिटी ला सकते हैं, आप कैसे रैंकिंग की बात कर सकते हैं, आप कैसे आउटपुट की बात कर सकते हैं, जब इनपुट है ही नहीं। कोई इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट कहाँ से आएगा? साथियों, ये जो पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई, जो अभी बन रहा है, उसमें पूरा पूरा ढांचा प्राइवेटाइजेशन का है। पूरा पूरा ढांचा है कि टीचर पे शोषण मत करो, टीचर को मॉनिटर करो, उसका सीसीटीवी लो, उसका ऐप बनाओ, उसका मुद्दा छाप लो, उसको निकाल दो नौकरी से, उसको पौधों के नाम रखो। साथियों, आज हमारी बिल्कुल डिसाइसिव खड़ी है। पिछली बार भी जब इन्होंने कटौती कोशिश की फोर्स में 2016 में, आप इतनी बड़ी तादाद में निकल के आए, हजारों शिक्षक का सड़क पे आए, तो इनको थर्ड अमेंडमेंट वापस लेना पड़ा। इसी दृढ़ संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें अपने हर सेक्शन को न्याय दिलवाना है। हमारे रिटायर्ड टीचर्स को पेंशन, हमारे जो साथी सालों सालों से लगे हैं और एक भी प्रमोशन उनको नहीं मिला, बन पड़े प्रमोशन, वो प्रमोशन हमारा हक है और हमें सही उनके हाथ